वहां का खत्म कर। मम्मी सबको तो जी यहाँ पर मिल गया है सीट। अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और इधर माँ जो है कढ़ी बड़ी बना रही हैं। हम बोले माँ को कि कढ़ी बड़ी बनाते हैं, माँ बोली कि तुम बहुत बड़का बड़का बना देती हो, इस वजह से माँ खुद ही बना रही है। बड़ा छोटा हमको स्वाद का अंतर नहीं होता है, लेकिन थोड़ा परसने में गिनती का अंतर हो जाता है थाली में कितना दिए। हाँ, इस वजह से माँ बना रही है खुद, और हम बनाते हैं बड़ा बड़ा, जैसे जिया बना देती है। क्या बोले जिया? जैसे बड़ा बड़ा कर देती है, हम भी बड़ा बड़ा बना, यही आरोप मुझे बात है कि कड़ी बड़ी ज्यादा नहीं बनाए, कभी कदार बनाते हैं इस वजह से, और फिर माँ बनाने भी नहीं देती है, इस वजह से नहीं बनता है मेरे से अच्छा। तो कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी होशियार हो, काबिल हो, अगर तुम्हें सहनशीलता, धैर्य और बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, तुम्हारा कोई भी काबिलियत किसी काम का नहीं है। कान खोल करके सुन लो, 5 महारथी की पत्नी थी द्रौपदी, उसको भी कष्ट हुआ। माता सीता मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी थी, वह भी वनवास में रही। इसलिए हर औरत को मंदोदरी रावण जैसा राक्षस की पत्नी थी, वहाँ भी झेली। इसलिए औरत का नाम धरती रखा गया है और सहनशीलता का प्रतीक, और पति परमेश्वर है, कैसा भी हो। सती अनुसुईया अपने पति को बेसिया के घर भेजती थी, तब भी उस पति का इज्जत देती थी। मैं बिंदेश्वरी ठाकुर की बेटी संपूर्ण समाज से अपील करती हूँ कि सभी अपने ससुराल में अपने सास ससुर को, अपने पति को सम्मान दीजिए और खूब खुशी से रहिए, सबका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जिस लड़की को सास ससुर, माँ बाप, पति, परिवार सम्मान नहीं दिया, उसको ईश्वर भी सम्मान नहीं देते। सही बात है। मम्मी यहाँ बैठ के एकदम क्या, अब सब कुछ दीदी कह ही दिए, मेरे लिए बचा क्या बताइए, जो हम कुछ बोले। लेकिन इसमें सहमत तो जरूर है। हाँ, इस लेकिन दीदी के बात से बिल्कुल हम सहमत है, यही करनी चाहिए। दुनिया की हर कुलीन औरत सहमत है। हाँ, रहना भी चाहिए जिसको हमेशा, हम लोगों को ये चीजें, ये सब चीजें समझाते रहती है। ससुराल जो मायके जो है, हर हमेशा वृक्ष की तरह है, उसकी छांव के नीचे हम थोड़े देर के लिए खुशी मना सकते हैं या आराम कर सकते हैं, लेकिन हम जो है, हमारे ससुराल जो है वो मेरा घर है। बस उसमें हमें थोड़ा सा इधर उधर अगर हुआ तो हम एक पेड़ के नीचे आके बैठ जाएंगे, वही है मायके। किसी भी कुली लड़की का जहाँ डोली आता है वहीं से अर्थी भी जाता है। सुख दुख भाई है। हाँ। आज सुख है तो कल दुख होना निश्चित है। जब तुम मानव जीवन प्राप्त किए हो तो संघर्ष करना ही पड़ेगा, शरीर धारण किए हो तो रोग होगा ही, इसलिए घबराना नहीं, हर परिस्थिति के लिए जूझने के तैयार रहिए, और हमेशा ये ध्यान रखिए कि अपने माँ बाप का मर्यादा, अपने कुल की मर्यादा, अपने समाज की मर्यादा और भारतीय संस्कृति की मर्यादा, किसी को तार तार नहीं होने दें, और थोड़ा सा पढ़ लेने से, नौकरी कर लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। हर औरत पढ़ती है, हर औरत आज के युग में हर माँ बाप कंसस है, अपनी बेटी को पढ़ाता है, लिखाता है, नौकरी कराता है। और मैं जिस समय पढ़ती थी, हमको लगता है ब्राह्मण टोली गाँव में शायद ग्रेजुएट में पहली लड़की, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। और मैं आज भी पेंशन प्राप्त करती हूँ, एक परिवार के चलाने लायक मेरी क्षमता है, लेकिन श्याम देव राय के जूता के नीचे मैं अभी भी रहती हूँ। मैं अपने को गर्व महसूस करती हूँ कि मेरा माँ बाप ने मुझे ऐसा संस्कार दिया। और हम ये भी कहना चाहते हैं ससुराल पक्ष को भी, एक नई लड़की जब घर आती है तो उसे भी मौका देना चाहिए। क्योंकि वो अपने घर से आती है, उसको अपने रीति रिवाज हर चीज पता रहता है, और हमारे घर के एक अलग होता है संस्कार, तो उसको भी समझने में थोड़ा टाइम देना चाहिए, और लड़की को भी थोड़ा इस परिवार को टाइम देना चाहिए। दोनों के लिए बहुत जरूरी है, तभी घर गृहस्थी हर संसार में हर आदमी का। आजकल थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल हो जा रहा है लड़की के लिए, सास को माँ हो गया, दोनों को सास को माँ समझना होगा, और बहू को अपनी बेटी का रोल अदा करना होगा, तभी परिवार चलेगा। और जहाँ तक एजुकेशन की बात है, हर घर की लड़कियाँ पढ़ती, सब माँ बाप कंसर्स अपनी बेटी को तालीम दे, कितनी भी पढ़ ले, लेकिन फिर भी वो ये तो नहीं है कि वो दूसरे घर बारात लेके जाएगी, लड़का बन के लड़का ही आएगा मेरे घर बारात लेकर के, तो उसी तरह से वो सम्मान हर हमेशा उसको उसी तरह मिलना चाहिए, चाहे तुम जितनी पढ़ी हो, जितना वृक्ष में फल होता है उतना जमीन छूता है वो, इसलिए उस जमीन को हर हमेशा छू के रखो, कभी नहीं हिल पाओगे। और हम यही समझते हैं कि पढ़ने लिखने से आदमी खुशहाली होता है, ना कि उदंडता। आजकल की लड़कियां जो हैं वो पढ़ती हैं तो एडवांस अपने आप को समझ, एडवांस पढ़ने से नहीं होता, एडवांस होता है अपने योग्यता का उचित मूल्य चुकाने से। हाँ।
और जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बात है तो मुझे लगता है कि उस समय मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है जिस समय शायद गांव-गांव में लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी, और मेरे माँ बाप उस समय भी बहुत कंसस थे, और उन्हीं के आशीर्वाद से ईश्वर के दया दृष्टि से हम यहाँ तक पहुँच गए। अभी भी मुझे इतना पैसा मिलता है कि अपने परिवार को हम चला सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने पति के अनुकूल सब दिन रहती हूँ, क्योंकि यह मेरा संस्कार है। मैं अपने को गर्व महसूस करती हूँ कि मेरा माँ बाप ने मुझे ऐसा संस्कार दिया कि हम इसी पति के शरण में मेरी अर्थी मनिहारी जाए। The next day. अभी वो वीडियो शूट कर रहे थे ना, इसीलिए हम भी अभी रील वगैरह बना के फिर लेते हैं। अच्छा, मेरा तो अभी तुरंत खत्म हुआ है जस्ट। कब आ रही हो? नेटवर्क बहुत इशू है मन। क्या तुम्हारा मेरा चल रहा है? अच्छा, बोले कब आ रही हो तुम इधर? आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं। कब निकलेंगे यहाँ से? अच्छा, यहाँ कब आओगी? यहाँ तुम्हारे यहाँ पहले वहाँ का खत्म कर, वहाँ का खत्म उसके बाद तुम्हारे यहाँ आएंगे। ठीक है, पहले तो है भी वहाँ पे, तो वहाँ खत्म करना बहुत जरूरी है पहले। कट कट की आवाज आ रहा है तुम्हारा? कट कट की आवाज आ, ठीक है। हाँ ठीक है बाबू, बहुत नटखट हो गया है। कहाँ है वो? बाहर घूम रहा है, घूम रहा है। और सास ससुर भाई ठीक है? एकदम बढ़िया। बात करोगी क्या? दे दो हम यहाँ कैमरा लेकर के बढ़िया बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी तो भयंकर है। गर्मी ज्यादा पड़ रहा है, इधर थोड़ा कम है गर्मी। अच्छा, पेट पूरा खुला खुला है ना? आइए तब यहाँ आपका स्वागत करेंगे एकदम गर्म गर्म माहौल में। हाँ चलिए बढ़िया है, ठीक है। बस ठीक है, अम्बाला आप लोग करिए कोई फंक्शन। वाह 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 बढ़िया है। 1 मिलियन का पार्टी नहीं दी अभी मनीषा, अभी तक 1 मिलियन हो जाए फिर करते हैं। अरे वो इंस्टा पे हुआ ना, इंस्टा पे। हाँ, यूट्यूब पर होगा फिर दूसरा पार्टी रहेगा ना, थोड़ा सा यूट्यूब का भी हो जाए फिर जल्दी से पार्टी करते हैं। नहीं तो पैसा नहीं बचाने देंगे हम, दोनों पार्टी अलग अलग लेंगे। अरे बढ़िया है बढ़िया, उसका पार्टी हम किए थे यहाँ पे। अच्छा किए थे, उस तरह नहीं किए थे, थोड़ा सा की थी थोड़ा बहुत। उसमें तो बुलाया ही नहीं तो कैसे आते बताओ? अरे तुम तो सरप्राइज देने आ ही सकती हो। तो फिलहाल हम लोग आए हुए जी मार्केट में आए थे कुछ खरीदारी करने के लिए, और साथ में यहाँ पर सीजनल फल सब मिल रहा है, और क्रियांश मेरे साथ गोद में बैठा हुआ है। हेलो। तो जिया यहाँ पर ले रही है जी तारकुआ, तो तारकुआ बहुत अच्छा लगता है। मम्मी भी आज जाने वाली है, एमसी दीदी की मम्मी, तो सोचा कि आज जा ही रही है तो उनको खिला दिया जाए, क्योंकि जब से आई थी इसके बारे में चर्चा कर रही थी कि तारकुआ चाहिए, इसलिए अभी मार्केट आए हैं तो लेकर के जा रहे हैं उनके लिए। और फिलहाल इधर जामुन भी मिल रहा है, तो जामुन का थोड़ा रेट जो है रेट महंगा है, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं कम कर दे तो लेते हैं। A few moments later. तो अभी 10 बजने में मुश्किल से है जी 10 मिनट, और इस समय जो है हमारे मम्मी पापा जो है विदा होने वाले हैं। जी हाँ, तो हम मम्मी पापा बोल रहे होंगे, बहुत लोग शायद कन्फ्यूज कर रहे होंगे। जी हाँ, वो मेरे चाचा चाची है, वो हमारे मौसा मौसी है, तो वो जो है आज विदा होने वाले हैं। लगभग अच्छा खासा दिन उनका स्टे रहा, क्रियांश के बर्थडे के समय में वो आए थे, और उसके बाद जो है कुछ दिन यहाँ पर स्टे किए, फिर हमारा जो दादी गांव है वहाँ गए थे, तो काफ़ी अच्छा लगा जी। सभी लोग थे यहाँ पर, और आज बारी है उनके विदाई की, तो वो लोग जो है यहाँ से आज निकल जाएंगे दिल्ली। क्रियांश जो है यहाँ समझ गया है कि गाड़ी जो स्टार्ट होने वाली है और गाड़ी बाहर निकलेगी तो हम भी चलेंगे, तो इसलिए जो है शोर शराबा किया जा रहा है। अच्छा, अरे तुम कपड़ा चेंज कर लो, तब नहीं जाएगा, कपड़ा पहनो पहले। कहाँ दादी? वाह 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 वाह, चलना है। अभी लोग जी बैठ गए हैं गाड़ी में, और क्रियांश का जैसा जिद था कि इसको साथ में चलना है, तो क्रियांश अपना चल रहा है, इसकी जिद हुई पूरी, और क्रियांश जिद कर ले और इनके बाबा पूरी नहीं करे, ऐसे कैसे हो सकता है? इनके बाबा से हम लोगों को जो है डांट नहीं सुनना था,
तो इसलिए हम लोग जो है लेकर के आ गए, तो फिलहाल चलते हैं हम लोग। Few inches later. तो हम लोग पहुंच गए जी कटिहार रेलवे स्टेशन, और कटिहार रेलवे स्टेशन में अपनी गाड़ी लगा दी है। पापा गए हुए हैं ट्रेन का प्लेटफॉर्म पता करने के लिए। प्लेटफॉर्म चलिए लगता है पता चल गया, तो फिलहाल पापा आ रहे हैं, तो हम लोग जो है सारा सामान लेकर के जो है चलते हैं। फिलहाल दुकान देकर पप्पी नहीं पापा नहीं दिलाएंगे कुछ, फिलहाल दुकान देखते ही कुछ ना कुछ डिमांड कर देता है। अभी एक कोल्ड ड्रिंक पी चुका है, अब नहीं देना इसको। नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बाबा कुछ नहीं देना। नहीं नहीं नहीं, तू कितना भी बोलेगा पप्पी तो यहाँ पे मम्मी का दादी नहीं देना, दादी को तो प्राण व्याकुल है। हाँ बच्चों को साथ दे दे। नहीं नहीं नहीं, जय जय। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन आ चुकी है, हमारी नहीं मम्मी की ट्रेन आ चुकी है आनंद विहार जोगबनी। यही है क्या आनंद विहार जोगबनी? वही है आनंद विहार सीमांचल। ओके सीमांचल एक्सप्रेस, हाँ यही लगेगी, यही B3 है ये। दादी आप ही मम्मी? नहीं अभी नहीं, क्या सोच रहा है? सभी लोग चले गए, हम बस बचे हैं। मम्मा नहीं गई है बेटा, आई गई है मम्मा। तो मम्मी सबको तो जी यहाँ पर मिल गया है सीट, और यहाँ पर अपना आराम से सीट का रिजर्वेशन वाला बॉगी है, तो जाहिर सी बात है तो अपने बर्थ पर आ चुकी है। और क्रियांश बाहर है अपनी दादी के साथ, हो सकता है शोर भी मचा रहा होगा। तो मम्मी चलते हैं, और फिर देखो अब कब मौका मिलता है, दिल्ली आते हैं तो मुलाकात करते हैं। क्रियांश यहाँ पर है, क्रियांश